हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक मैसेंजर की वीडियो कॉल प्रॉब्लम के ऊपर। आप अपने किसी भी दोस्त को मैसेंजर के ऊपर वीडियो कॉल करते हैं तो वीडियो कॉल करते वक्त आपकी वॉइस जो है वो आपके दोस्त तक नहीं पहुंच रही। तो आज की वीडियो में यही बताऊंगा कि अगर आप भाई को इस तरह की कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वीडियो कॉल के अंदर तो इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। होप आप भाई को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा आप भाई का, और कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड अपना बिना वक्त जाए के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सिंपली आपने अपनी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के बाद आपने अपने मोबाइल की जो सेटिंग है इसे ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, आपको मोर सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपने इस पे क्लिक करना है और नंबर टू पे ही आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, आपने इस पे क्लिक करना है। तो फिर नंबर फर्स्ट पे ही आपको इंस्टॉल एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, आपने इस पे क्लिक करना है। तो सिंपली लफ्ज में बता दूं, जहां आपके मोबाइल की सारी एप्लीकेशन होती है आपने उस जगह पे ओपन कर लेना है, क्योंकि कुछ मोबाइल की सेटिंग अलग अलग होती है। आपने ओपन करने के बाद आपने अपने मैसेंजर को ढूंढ लेना है, तो मैसेंजर जिस तरह हमारा मिल जाता है आपने उस पे क्लिक करना है। तो इधर कुछ सेटिंग देखने को मिल जाएंगी, नंबर फर्स्ट पे स्टोरेज, नंबर सेकंड पे परमिशन, तो आपने नंबर सेकंड पे परमिशन पे क्लिक करना है। तो आप भाई जिस तरह परमिशन पे क्लिक करते हैं तो आप भाई देख रहे हैं इधर कुछ जो सेटिंग है वो पहले डिसेबल होंगी, तो आपने इन सेटिंग को इनेबल कर देना है। तो माइक्रोफोन वाली परमिशन को इनेबल करना है और फोन वाली परमिशन और SMS वाली परमिशन, आपने इन तीनों परमिशन को इनेबल कर देना है। तो इनेबल करने के बाद आपने अपने मैसेंजर को दोबारा ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद आप भाई को जो वीडियो कॉल की प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी वो आप भाई को जो 100% जो है वो सॉल्व हो जाएगी। इस मेथड के जरिए जो है आप अपने मैसेंजर की प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप भाइयों की मैसेंजर के ऊपर वीडियो कॉल की ये प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व ना हो, लेकिन कुछ भाइयों की 90% इस मेथड के जरिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कुछ 10% भाइयों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती वीडियो की, तो उन भाइयों ने क्या करना है, उन भाइयों ने फिर इस एप्लीकेशन को मिनिमाइज करना है। आपने अपने मोबाइल की सेटिंग को दोबारा ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपने मोर सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप जिस तरह क्लिक करेंगे नंबर टू पे ही एप्लीकेशन और नंबर फर्स्ट पे इंस्टॉल एप्लीकेशन, तो आपने अपने मैसेंजर को दोबारा ढूंढ लेना है और उस पर क्लिक करना है। इस तरह इस पे क्लिक करेंगे तो नंबर फर्स्ट पे आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, आपने स्टोरेज पे क्लिक करना है। तो इधर आपको कुछ सेटिंग देखने को मिल जाएगी, नंबर फर्स्ट पे आपने मैनेज स्पेस पे क्लिक करना है। आप जिस तरह स्पेस पे क्लिक करेंगे और ओके कर देना है, इसमें होगा ये आपका जो मैसेंजर है वो पूरा क्लियर हो जाएगा और आपके मैसेंजर का जो अकाउंट है वो भी लॉग आउट हो जाएगा। तो आप भाई ने अपने मैसेंजर को दोबारा लॉग इन कर लेना है। तो लॉग इन करने के लिए आपकी जो फेसबुक पे अकाउंट लगा होगा तो वही अकाउंट इधर आ जाएगा। तो आपने इस पे क्लिक कर देना है कंटिन्यू के ऑप्शन पे, और आपने इधर कुछ दो सेटिंग के लिए मिलेंगी, आपने उसे नॉट नो कर देना है। तो अगर आप भाई SMS चाहते हैं तो ठीक है, वरना मैं नहीं चाहता, तो आपने नॉट नो कर देना है और आपका जो अकाउंट है वो दोबारा लॉग इन हो जाएगा। तो आपने अपने उसी फ्रेंड की चैट को ओपन कर लेना है और आप भाइयों ने अपनी वीडियो कॉल को जो दोबारा है उसे डायल कर लेना है। तो डायल करने से आपने इसकी जो परमिशन है उसको भी अलाउ कर देना है। तो परमिशन जिस तरह ही अलाउ होगी तो इस तरह होगा ये कि आपकी जो दोस्त की जो वीडियो कॉल की प्रॉब्लम थी वो हो जाएगी। होप आप भाइयों को समय लग गई होगी कि अगर आप भाइयों को जो है वीडियो कॉल की प्रॉब्लम मिल रही है आप इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आप भाइयों को और भी कोई मैसेंजर पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर शेयर भी कर देनी है। तो फ्रेंड जो भाई चैनल पे नए हैं उसे जरूर सब्सक्राइब करें, उसके साथ बने घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप भाई ने अपना ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।